नमस्कार, मी वृषाली कदम परब. प्राईम टाईम लाईव्हमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. बुलेटिनची सुरुवात करूया हेडलाईन्स. जम्मू काश्मीर सरकार कोसळलं, भाजपनं काढला मेहबूबा मुफ्ती सरकारचा पाठिंबा. जम्मू काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू करण्याची भाजपची मागणी. राज्यपाल राजवटीचा नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसचा विरोध. काँग्रेसचा पीडीपी बरोबर सरकार स्थापनेस नकार, तर नॅशनल कॉन्फरन्सनं दिला काँग्रेस बरोबर जाण्यास नकार. उमर अब्दुल्ला राज्यपालांना भेटले. शिवसेना राज्यातला नंबर वनचा पक्ष बनणार. महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेचा मुख्यमंत्री करणार उद्धव ठाकरेंची घोषणा. काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधींना बालहक्क आयोगाकडून वाढदिवसाची भेट. ट्विटरवर जामनेरमधील मातंग समाजांच्या मुलाचे व्हिडिओ टाकल्याप्रकरणी बालहक्क आयोगानं बजावली राहुल गांधींवर पॉस्को कायद्याअंतर्गत नोटीस. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अखेर त्यांनी ठिय्या आंदोलन घेतलं मागे. आयएएस अधिकाऱ्यांनी सहकार्य करण्याचं आश्वासन दिल्याचा केजरीवालांचा दावा. आणि प्राईम टाईम लाईव्हची सुरुवात करूया आज दिवसभरातल्या सगळ्यात महत्वाच्या बातमीनं, आणि ती म्हणजे मेहबूबा मुफ्ती यांच्या नेतृत्वाखालील जम्मू काश्मीर सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय भाजपानं घेतला. भाजपचे नेते राम माधव यांनी आज दुपारी दिल्लीमध्ये या निर्णयाची घोषणा केली, त्यामुळे राज्यातील मेहबूबा मुफ्ती सरकारच्या नेतृत्वाखालील सरकार हे अल्पमतात आलं. रमजानच्या काळामध्ये राज्यात लागू केलेली शस्त्रसंधी रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतल्यानंतर भाजपा आणि पीडीपीमधला तणाव कमालीचा वाढला होता. दरम्यान मेहबूबा मुफ्ती सरकारचा पाठिंबा काढल्यानंतर राज्यामध्ये राष्ट्रपती लागवट लागू करण्याची मागणी भाजपनं देखील केली होती. मंगळवारी भाजपच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीमध्ये याबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर अमित शहा यांनी जम्मू काश्मीरमधील पक्षांच्या नेत्यांसोबत चर्चा केल्यानंतर याबाबतचा अंतिम निर्णय हा घेण्यात आला. जम्मू काश्मीरमध्ये भाजपनं पीडीपीचा पाठिंबा काढून घेतलेला आहे, त्यामुळे देशभरात खळबळ माजली. या निर्णयानंतर भाजपनं पत्रकार परिषद देखील घेतली आणि सत्तेतून बाहेर पडण्याची कारणं त्यांनी यावेळी स्पष्ट केली. हमने चार साल पहले, तीन साल पहले जो सरकार बनाई थी बीजेपी पीडीपी गठबंधन की, जिन उद्देश्यों को लेकर बनाई थी, उनकी पूर्ति की दिशा में कितना हम सफल हो पा रहे हैं इसकी विस्तृत चर्चा हुई. और इसके अलावा भी पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में जो परिस्थिति निर्माण हुई है उसके संदर्भ में विभिन्न स्तरों पर हमारी चर्चाएं हुई है, उसका आकलन करने का विस्तृत प्रयास हुआ. गृह मंत्रालय से, एजेंसी से, सबसे आवश्यक इनपुट्स लेने के बाद प्रधानमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष अमित भाई, इन सबकी परामर्श होने के बाद आज हमने यह निर्णय किया है कि यह गठबंधन सरकार में आगे चलना भाजपा के लिए संभव नहीं होगा. आज जो परिस्थिति राज्य में निर्माण हुई है, जिसमें एक भारी मात्रा में कश्मीर घाटी में आतंकवाद, टेररिज्म एंड वायलेंस बढ़ गया, रेडिकलाइजेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स दैट इंक्लूड राइट टू लाइफ एंड फ्री स्पीच, ये भी खतरे में आ गए हैं. वैली में आपने देखा जिस प्रकार एक मूर्धन्य पत्रकार शुजात बुखारी जी की दिन दहाड़े श्रीनगर शहर में हत्या होती है. यह परिस्थिति की विषमता का एक परिचायक है. आज प्रेस फ्रीडम हो या फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, ये भी खतरे में आ गया है. और सीमा पर जो भी पाकिस्तान की गतिविधि होती है,
उसको विफल करने का भी पूरा प्रयास हमारी सरकार, हमारे होम मिनिस्ट्री, हमारे मिलिट्री डिफेंस मिनिस्ट्री लगातार करते रहे। पर मुझे ये कहते हुए दुख है कि हालांकि हम भी 3 साल से उस सरकार में भागीदार रहे हैं, फिर भी सरकार का जो मुख्य नेतृत्व जिनके हाथ में है, वे इन स्थितियों को संभालने में कहीं पूर्ण रूप से सफल नहीं रहे हैं। हम उनको इरादों को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, पर वास्तविक स्थिति में जो राज्य सरकार का दायित्व था, विशेषकर कश्मीर घाटी में परिस्थिति को सुधारने का, उसमें राज्य सरकार असफल रही, ऐसा ही लगता है। और दूसरी तरफ जम्मू और लद्दाख में जो विकास की दृष्टि से जितना काम होना था, उसमें भी कहीं ना कहीं अड़चने हमारे मंत्रियों को सामना करना पड़ता आया है। ये सभी स्थितियों को ध्यान में रखकर 3 साल सरकार चलाने के बाद आज हम इस मत के बने हैं कि व्यापक देश हित में, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर भारत का एक अखंड और अविभाज्य अंग है, उस कमिटमेंट को हम ध्यान में रखते हुए, देश की सॉवरेंटी, देश की इंटीग्रिटी को ध्यान में रखते हुए, कश्मीर में जो परिस्थिति इस समय उत्पन्न है उसके ऊपर नियंत्रण लाने के लिए, बेसिकली कीपिंग इन माइंड द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडियाज इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, कीपिंग इन माइंड द फैक्ट दैट जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इन ऑर्डर टू ब्रिंग कंट्रोल ओवर द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द स्टेट, वी हैव डिसाइडेड that it is time the reins of power in the state be handed over to the governor, राज्य में गवर्नर का शासन लाए और स्थिति को सुधारने का प्रयास हो, और परिस्थिति सुधरने के बाद आगे जो डेवलपमेंट होगा उस पर हम विचार करेंगे। हमने 4 साल पहले, 3 साल पहले जो सरकार बनाई थी बीजेपी पीडीपी गठबंधन की, जिन उद्देश्यों को लेकर बनाई थी, उनकी पूर्ति की दिशा में कितना हम सफल हो पा रहे हैं इसकी। महबूबा मुफ्ती सरकारचा भाजपने पाठिंबा काढल्यानंतर जम्मू काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू करण्याची शक्यता सध्या दिसून येते आहे, तर दुसरीकडे नॅशनल कॉन्फरन्स काँग्रेस यांनी एकत्र येऊन जम्मू काश्मीरमध्ये सत्ता स्थापन करण्याच्या जोरदार हालचाली सध्या पीडीपीच्या नेत्या महबूबा मुफ्ती यांनी सुरू केलेल्या आहेत। भाजपने जम्मू काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू करण्याची मागणी केलेली आहे। काश्मीरमध्ये राजवट लागू झाली तर 6 महिन्यांच्या आत निवडणुका घेणं हे कर्मप्राप्त ठरणार आहे। मुझे खुशी है कि केंद्रीय सरकार ने अपनी गलती मान ली, अपनी गलती स्वीकार की, और ये 3 साल बीजेपी और पीडीपी जम्मू कश्मीर में सरकार चलाने में बुरी तरह असफल हुए, और इन 3.25 सालों में इन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, तबाह कर दिया। जम्मू कश्मीर को एक पटड़ी पर, राजनीतिक पटड़ी पर, डेवलपमेंट की पटड़ी पर कांग्रेस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब जब हमारी सरकार रही, हम लोगों ने आतंकवाद को ख़त्म किया था, विकास शुरू हो गया था, डेवलपमेंट शुरू हो गया था, लेकिन जब से बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में पहली दफ़ा सरकार में कदम रखा, तो हमने उसी दिन बताया था जी कि जम्मू कश्मीर की बर्बादी शुरू हो गई। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि जहाँ जहाँ भी आपके कदम पड़ते हैं वहाँ आग लग जाती है, और वही जम्मू कश्मीर में भी हुआ।
इन चार पाँच चार तीन साढ़ा तीन बरसों में बीजेपी और पीडीपी की कोलिशन गवर्नमेंट के दौरान सबसे ज़्यादा सीज़ फायर वायलेशन इंटरनेशनल बॉर्डर पे जम्मू प्रोविंस में हुए, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए, आर्मी जवान मारे गए, पुलिस के पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग मारे गए, सबसे ज़्यादा सिविलियंस मारे गए, सबसे ज़्यादा सिविलियंस जख्मी हुए। तो सबसे ज़्यादा जो आंकड़े आते हैं हर चीज़ में वो बीजेपी और पीडीपी के कोटे में जाते हैं। आज जम्मू कश्मीर को बर्बाद करके तबाह करके अब बीजेपी सारा गुना पीडीपी के मत्थे फोड़ के भाग नहीं सकते। तो बीजेपी की सरकार, केंद्रीय सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। ये जो इकदाम, ये जो फैसला लिया गया है बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और मैं ये समझता हूँ कि इस फैसले के बाद गवर्नर रूल होगा जम्मू एंड कश्मीर में और रिप्रेशन वहाँ पर होगा। बीजेपी इख्तदार में हिस्सा रही है पीडीपी के साथ, और बीजेपी ने कोई इकदाम नहीं किए, ना तो डायलॉग के लिए, ना उन वादों को पूरा करने के लिए इन्होंने जो एजेंडा ऑफ अलायंस में जिसका वादा किया। बीजेपी का असल मकसद क्या है कि आर्टिकल 370 को बर्खास्त किया जाए, कोई भी कश्मीरी इसको कबूल नहीं करेगा, और बीजेपी का हमेशा से मकसद यही रहा है कि 370 को निकाला जाए। ये बड़े अफसोस की बात है कि शुजात बुखारी के कत्ल को इस्तेमाल किया जा रहा है ऐसे पॉलिसी को और आगे बढ़ाने के लिए जिसका आगाज़ पिछले दो साल से हुआ था। मेरे पास महबूबा मुफ्ती के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी का कोई सियासी मुस्तकबिल अब वादी में नहीं रहा। मेरी पूरी हमदर्दी कश्मीरी अवाम के साथ है, और मैं उम्मीद करता हूं कि कश्मीरी अवाम बड़े ही सब्र और तहमुल के साथ आने वाले इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, और हम भी महसूस कर रहे हैं कि ये गवर्नर रूल से कोई नॉर्मलसी रेस्टोर नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी बराबर की जिम्मेदार है पीडीपी के साथ। दहशतगर्द सरहद पार से आ रहे थे, हमारे आर्मी कैंप्स पर हमले हो रहे थे, और बीजेपी की सरासर नाकामी है कि दिल्ली में भी इनकी हुकूमत, कश्मीर में भी ये बराबर के शरीक थे हुकूमत में, और यकीनन ये तमाम चीज़ें हैं इसके ज़िम्मेदार बीजेपी है, मगर इसका खैमियाजा अफसोसनाक तरीके से कश्मीर की आवाम दे रही थी। अगर कि 2014 में हमें गवर्नमेंट बनाने का मैंडेट नहीं मिला, तो आज 2018 में भी गवर्नमेंट बनाने का मैंडेट हमारे पास नहीं है। हम किसी और सियासी तंजीम के साथ रियासत में हुकूमत बनाने की बातचीत नहीं कर रहे हैं। ना हमें किसी ने अप्रोच किया है, ना हम यहाँ से किसी को अप्रोच करने जा रहे हैं। हमने गवर्नर साहब से कहा है कि इन हालात में, जबकि किसी भी एक पार्टी के पास हुकूमत बनाने का मैंडेट है नहीं, तो फिर गवर्नर साहब के पास और कोई चारा रहेगा नहीं, उनको फौरी तौर गवर्नर रूल लागू करना होगा। मैंने अपने पार्टी के तरफ से गवर्नर साहब को ये अश्योरेंस दी है कि हम उनका पूरा इसमें समर्थन करेंगे, उनको सपोर्ट देंगे। जम्मू काश्मीरमधील पीडीपी सरकारचा भाजपनं पाठिंबा काढल्याचं जाहीर करून देशामध्ये एक खळबळ उडवून दिली, परंतु भाजपचा हा निर्णय हा राजकीय हेतूनं प्रेरित असल्याचा आरोप शिवसेनेचे नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी केलेला आहे। जेव्हापासून भाजप आणि पीडीपीचं सरकार सत्तेवर आलं तेव्हापासून तिथं हिंसाचार वाढलेला आहे। येत्या निवडणुकीमध्ये जनतेला उत्तर द्यावं लागणार आहे, त्यामुळेच त्यांनी राजकीय खेळी खेळल्याची टीका यावेळी संजय राऊत यांनी केली। लगता है लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इस सबका जवाब देना पड़ता है, जनता के सामने आना पड़ता है, इसलिए अगर ये निर्णय लिया है
तो मुझे लगता है राजनीतिक निर्णय। सर आपका लगता है कामयाबी जो बनेगा सर क्या आप जो बनाने के लिए बीजेपी ने हर साहब मानते हैं जो अलायंस बनाया गया था वो अननेचुरल था अननेचुरल था और शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब ने पहले दिन से इस अभद्र युति को इस अभद्र गठबंधन को विरोध किया था। ये देशद्रोही देश विरोधी गठबंधन था ये उद्धव ठाकरे साहब का कहना था। आज ये बात सच हो गई। बीजेपी की हर राज्य में सत्ता बनी है इसकी इसकी लालसा में क्या देश को भुगतना पड़ा है? सत्ता की लालसा होनी चाहिए लेकिन देश की शहादत देश की अस्मिता की कीमत चुकाकर कोई सत्ता की लालसा नहीं रख सकता। मैं मानता हूँ राज्य का नहीं देश का नुकसान। 1956 साली घटनेमध्ये दुरुस्ती करून जम्मू काश्मीरला 370A ह्या कलमांतर्गत स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्यात आलेला आहे। काय आहे ही कलम, काय आहेत तरतुदी या कलमातल्या, काँग्रेसनं राज्यघटनेमध्ये दुरुस्ती केलेली, पाहूया ग्राफिक्सच्या माध्यमातून। घटनेचे 370A कलम, 70A कलमानुसार कोणताही भारतीय काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करू शकत नाही। तिरंग्याबरोबर राज्याचा स्वतंत्र झेंडा असेल। जम्मू काश्मीरमध्ये 356 कलम लागू होत नाही। 1976 नागरी भूधारणा कायदा लागू होत नाही। नागरिकांना विशेष अधिकार देण्यात आलेले आहेत। दुहेरी नागरिकत्व आणि वेगळा राष्ट्रध्वज। विधानसभेचा कार्यकाळ 6 वर्षांचा असतो। भारताचा राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रीय प्रतीकांचा अपमान करणे गुन्हा ठरत नाही। सर्वोच्च न्यायालयानं आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे इथे लागू होत नाहीत। भारतीय संसद अत्यंत मर्यादेपर्यंत कायदे बनवू शकतात। जम्मू काश्मीरमधील महिलेचे दुसऱ्या राज्यामध्ये लग्न झालं तर काश्मीरमधला मतदानाचा जो तिचा अधिकार आहे तो संपुष्टात येतो। त्याचप्रमाणे त्या महिलेचं नागरिकत्व देखील संपतं। त्यामुळे कलम 370 जम्मू काश्मीरमध्ये माहिती अधिकार कायदा जो आहे त्याचप्रमाणे शिक्षण हक्क कायदा जो आहे तो लागू होत नाही। त्यामुळे सर्वच प्रश्न बंदुकीच्या जोरावर सुटत नाही असं सांगत शांततेसाठी चर्चा आवश्यक आहे, काश्मीरमधल्या लोकांबरोबरच पाकिस्तानशी चर्चा करण्याची आमची भूमिका असल्याचं पीडीपीच्या नेत्या मेहबूबा मुफ्ती यांनी सांगितलं। भाजपनं पाठिंबा काढल्यानंतर मुफ्ती यांनी राजीनामा दिलेला आहे आणि जम्मू काश्मीरमध्ये राजकीय भूकंप झालेला आहे। पाकिस्तानशी चांगले संबंध ठेवावेत असं आमचं मत होतं। त्याचप्रमाणे राज्यामध्ये दडपशाहीचं राज्य चालू शकणार नाही, इथं कोडी गुलाबीनं काम होऊ शकतं असं मुफ्ती या म्हणालेले आहेत। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं आज बीजेपी की तरफ से जो विड्रॉल ऑफ सपोर्ट हुआ उसके बाद मैंने अपना रिजिग्नेशन जो है गवर्नर साहब को भेज दिया है। हमने ये जो अलायंस हमारी बीजेपी और पीडीपी की थी ये बहुत ही सोच समझ के, हालांकि लोगों के मिजाज के मुखालिफ था, ये हमने एक बड़े विजन के तहत मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने ये अलायंस किया था, ये सोच के कि बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है और प्राइम मिनिस्टर को एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला है। जो जम्मू कश्मीर के लोग जिस मुसीबत में फंसे हैं उस मुसीबत में से बाहर निकालने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक बड़ी ताकतवर पार्टी है उसके साथ हमने हाथ मिलाया और हमें कई महीने लगे एक आपस में एक तालमेल एक एजेंडा ऑफ अलायंस बनाने का, जिसका बेसिक मकसद ये था रिकंसिलेशन, यानी जम्मू कश्मीर में रिकंसिलेशन डायलॉग, यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ डायलॉग, यहाँ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, पाकिस्तान के साथ एक अच्छा रिश्ता, ये हमारे जो एजेंडा ऑफ अलायंस का ये मकसद था। और इसमें सबसे बड़ा जो अप्रेंशन जिस वक्त सरकार जिस वक्त बीजेपी को जम्मू में सपोर्ट मिला और हमें कश्मीर में सपोर्ट मिला, उस वक्त सबसे बड़ा अप्रेंशन जो जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में था
खासकर वादी कश्मीर में वो ये था कि 370 सबसे बड़ा अप्रेंशन था 370 को लेके, हमारे स्पेशल स्टेटस को लेके। और हमने पिछले 3-4 साल जिस तरह से 370 को 35A के खिलाफ हमने कोर्ट में उसको डिफेंड किया और 370 की पोजीशन को पूरी तरह से हमने उसका दफा किया। इसके अलावा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के हवाले से 11,000 नौजवानों के खिलाफ हमने केसेस विड्रॉ किए। हमने यहाँ यूनिलेटरल सीज फायर करवा दिया। हमने यहाँ नॉट लेस देन द होम मिनिस्टर के लेवल से डायलॉग का एक ऑफर यहाँ दी गई। और हमारा जो पीडीपी का जो मकसद था रिकंसिलेशन का, जो हमारा मुफ्ती साहब का ख्वाब था कि यहाँ डायलॉग होना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमारा हमेशा ये मानना रहा है जम्मू कश्मीर में मस्कुलर पॉलिसी नहीं चल सकती। नहीं, मैंने गवर्नमेंट साहब को अपना रिजिग्नेशन भेजा ये कह के कि हम कोई और जो है अलायंस एक्सप्लोर नहीं करना चाहते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमारा मकसद था ये सरकार के लिए, हमने पावर के लिए अलायंस नहीं किया था। हमारा मकसद डायलॉग का था, वो होम मिनिस्टर ने कहा। हमारा मकसद यूनिलेटरल सीज फायर का था, वो होम मिनिस्टर ने कहा। जो हमारा मतलब था, जैसे प्राइम मिनिस्टर लाहौर चले गए बातचीत के लिए, हमने जो कहना था, हमने 370 को बचाना था। हमने 3-4 साल उसकी पूरी हिफाजत की। इसके एजेंडा में जो हमारा एजेंडा था, हमने अपना एजेंडा पूरा किया। अपेक्षेप्रमाणे शिशिर शिंदे यांनी मनसेला सोडचिठ्ठी देत शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला। शिवसेनेच्या 52व्या वर्धापन दिनाचा मुहूर्त साधत शिंदे यांनी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते मनगटाला शिवबंधन बांधून आणि हाती भगवा झेंडा घेऊन शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला। यावेळी शिशिर शिंदे भावूक झाले होते। त्यामुळे मनसेत असताना मी जे काही बोललो आहे यासाठी आज मी माफी मागतो, सर्वांनी मला उदारपणानं माफ करावं, असं म्हणत शिवसेनेचा भगवा हा विधानसभेवर फडकवल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नसल्याचं यावेळी शिंदे यांनी म्हटलं। या बातमीसह वेळ झालेली आहे छोट्याशा ब्रेकची, लगेचच परततोय, पाहत राहा फक्त महाराष्ट्रवान। ब्रेकनंतर आपलं स्वागत। राहुल गांधी यांनी जामनेर इथे घटनेनंतर ट्विट केल्याप्रकरणी बालहक्क आयोगानं त्यांना नोटीस बजावलेली आहे। जामनेरच्या घटनेनंतर राहुल गांधी यांनी ट्विट करून ट्विटरवर त्या मुलांचा व्हिडिओ अपलोड केलेला होता। या व्हिडिओमुळे मारहाण करण्यात आलेल्या मातंग समाजाच्या मुलांची ओळख समाजात झाल्यानं ही नोटीस राहुल गांधी यांना बजावण्यात आलेली आहे। दोन हजार 2019 लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीला असलेले काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांचा आज वाढदिवस आहे। ते 48 वर्षांचे झालेले आहे। देशभरातील काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी रात्रीपासूनच राहुल गांधींवर शुभेच्छांचा वर्षाव सुरू केला। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देखील ट्विटरद्वारे राहुल गांधींना शुभेच्छा दिल्या आहेत। आयएएस अधिकाऱ्यांनी अघोषित संप मिटवावा या मागणीसाठी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी नायब राज्यपालांच्या निवासस्थानातील केलेले ठिय्या आंदोलन अखेर आता 9व्या दिवशी मागे घेतलेलं आहे।
मनीष सिसोदिया यांनी ही माहिती दिलेली आहे. अधिकाऱ्यांनी सहकार्य करण्याचं कबूल केल्यानं उपोषण मागे घेतलं असं सांगण्यात येत आहे. यासाठी मध्यस्थ्यानं केलेल्या यशस्वी वाटाघाटीनंतर हे उपोषण संपवण्यामध्ये यश आल्याचं सूत्रांकडून कळत आहे. हे उपोषण संपावं यासाठी कोणीच पुढे पाऊल टाकायला तयार नव्हतं. यामध्ये नायब राज्यपाल नजीब जंग मागे हटायला तयार नव्हते, तसंच आयएएस अधिकारी देखील संप मागे घेण्यास तयार नव्हते. पेट्रोल डिझेलवरील अबकारी करामध्ये कोणत्याही कपातीची शक्यता नसल्याचं अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केलेलं आहे. कर महसुलासाठी पेट्रोलियम उत्पादनावरील असलेली अतिरिक्त मदार कमी व्हावी आणि बिगर श्रेणीतील करांची चोरी थांबवली जावी आणि लोकांनी प्रामाणिकपणे कर भरावा असं कळकळीचं आवाहन त्यांनी केलेलं आहे. पेट्रोल डिझेलच्या दरामध्ये वारंवार होणारी वाढ, थर्ड पार्टी इन्शुरन्स प्रीमियममध्ये होणारी वाढ आणि टोल दरवाढ या विरोधामध्ये माल वाहतूकदारांनी सोमवारपासून बेमुदत देशव्यापी संप पुकारलेला आहे. या संपामध्ये जवळपास 55% ट्रक चालक हे सहभागी झालेले आहेत. हा संप जर अजून काही दिवस सुरू राहिला तर महागाई भडकण्याची शक्यता वर्तवली जाते. आयआयटी मुंबईमध्ये विद्यार्थ्यांचा लैंगिक छळ होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलेला आहे. शेवटच्या वर्षाला शिकत असलेल्या एका सिनियर विद्यार्थ्यावर लैंगिक अत्याचार केला जात असल्याचा आरोप आहे. फेसबुक आयआयटीमध्ये कन्फेशन पेजवर विद्यार्थ्यांनी आपल्याला सामोरं जावं लागलेल्या परिस्थितीवर भाष्य करत या घटनेला वाचा फोडलेली आहे. आठ लाखांची लाच घेताना रंगेहात पकडला गेलेला कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचा भ्रष्ट अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत याच्यासह लिपिक ललित आमरे आणि भूषण पाटील या तिघांना जामीन अर्ज आज त्यांचा कल्याण कोर्टानं फेटाळलेला आहे. त्यामुळे या तिघांची रवानगी आता आधारवाडी जेलमध्ये करण्यात आलेली आहे. दरम्यान लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला तपासामध्ये सहकार्य करत नसल्यानं घरतला कोर्टानं 2 जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावलेली आहे. वेळ झाली आहे छोट्याशा ब्रेकची, लगेचच परततोय. पाहत राहा फक्त महाराष्ट्रवान. ब्रेकनंतर आपलं स्वागत. सोमवारी 18 जून रोजी मुंबईकरांनी मागील 2 वर्षातली सगळ्यात शुद्ध हवा अनुभवलेली आहे. शनिवारी आणि रविवारी झालेल्या पावसामुळे प्रदूषणाचे ढग बाजूला सारून शुद्ध मोकळा श्वास मुंबईकरांना घेता आला असं एअर क्वालिटी वेदर फोरकास्ट अँड रिसर्च या संस्थेनं सांगितलेलं आहे. एअर क्वालिटी इंडेक्समध्ये हवेचा दर्जा त्याचा निर्देशांक 18 इतका नोंदवण्यात आलेला आहे. त्यामुळे मुंबईमध्ये जून 2015 पासून सतत प्रदूषणाची नोंद करण्यात येत होती. आत्तापर्यंत सगळ्यात सगळ्यात सुरक्षित आणि शुद्ध हवा दाखवणारा हा निर्देशांक अतिशय सुखद असा आहे. मुंबईची हवा दिल्ली आणि अहमदाबादच्या हवेपेक्षा खूप शुद्ध असल्याचं या दिवशी जाणवलेलं आहे. पुढल्या बातमीकडे, गुरुवारनंतर राज्यभरामध्ये पाऊस पडणार असल्याची शक्यता हवामान खात्यानं व्यक्त केलेली आहे. हिंदी महासागर आणि बंगालच्या उपसागरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर ढग जमलेले आहेत. हवेचा दाब अनुकूल असल्यानं सध्या कोकणामध्ये सुरू असलेला पाऊस पुढील 3 दिवस उर्वरित महाराष्ट्रामध्ये कोसळणार आहे. विदर्भाची पंढरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या संतनगरी शेगाव इथल्या श्री संत गजानन महाराजांची पालखी पंढरपूरकडे मार्गस्थ झालेली आहे. या पायदळ दिंडीतील पालखीमध्ये श्री गजानन महाराजांचा रजत मुखवटा होता. राजवैभवी थाटामध्ये विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी आषाढी एकादशीच्या नयनरम्य सोहळ्यामध्ये टाळकरी पथक सहभागी झालेलं आहे. बरेच वर्ष गुरुमाऊलीच्या पालखीच्या प्रस्थानाचा सोहळा बघायचा आमचा डोक्यात
विचार असायचा, पण दरवर्षी एक घडून येत नव्हतं. पण या खेपेला गुरुमाऊलींनी हा योग जुळवून आणला आणि आम्ही सगळे पंढरपुरातले आमचे मित्रपरिवार आम्ही सगळे या ठिकाणी उपस्थित राहिलो. हा जो पालखीच्या प्रस्थानाचा सोहळा आहे त्याचं वर्णन शब्दामध्ये करता येणं केवळ आणि केवळ अशक्य. शब्दातीत वर्णन करण्यापैकी हा एक सोहळा आहे. आणि आता इथून गुरुमाऊली पहिल्यांदा नागझरीला जातील आणि तिथून पुढं पंढरपूरपर्यंत त्यांचा प्रवास होईल. तिथं ते 4-5 दिवस मुक्काम करून पुन्हा परतीच्या प्रवासाला ते इकडं शेगावला निघतील. आम्ही काल दर्शनाकरता आलो. आम्हाला माहीत नव्हती पालखी पाहून एवढा आनंद झाला की म्हणजे इतके भावुक झालो. आम्हाला कल्पना नव्हती की इतकी मोठी पालखी आज ते पुण्याला निघाली ना आम्हाला पंढरपूरला. आम्हाला गजानन महाराजांनी इतकं छान दर्शन दिले तर आम्ही खूप 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 आनंदित आहोत. या बातमीचा आता वेळ झालेली आहे. इथेच थांबायची, कुठेही जाऊ नका. पाहत रहा फक्त महाराष्ट्रवन.